फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार लेसन। चाहे आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो या फिर रिटेन, या फिर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह लेसन आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ प्रीपोजिशन इन के बारे में। एक सेंटेंस में आप इन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं या किस किस कंडीशन में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस इम्पोर्टेंट लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, इनका सही इस्तेमाल सीखें। इनका इस्तेमाल बड़े बड़े शहरों के नाम के साथ किया जाता है। सी लिव्स इन पंजाब। पंजाब एक बड़ा जगह है, इसलिए मैंने लिखा इन। ही लिव्स इन दिल्ली। चूंकि दिल्ली एक बड़ा जगह है, इसलिए मैंने इनका इस्तेमाल किया। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम छोटे छोटे शहरों की बात करें या गांव की बात करें तो हम इन की जगह पर एट का इस्तेमाल करेंगे। आइए फ्रेंड्स, दूसरा रूल देखें। समय का बोध यानी टाइम के सेंस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। वह एक घंटे में आएगा, तो आप कहेंगे ही विल कम इन वन आवर। या वह एक सप्ताह में आएगा, तो आप कहेंगे ही विल कम इन अ वीक। अगर आपको कहना हो कि वह दो दिनों में पहुंच जाएगी, तो आप कहेंगे सी विल रीच देयर इन टू डेज। टाइम के सेंस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैंने आपको एट का यूज बताया तो मैंने वहाँ कहा कि टाइम के सेंस में एट का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको ये जानना जरूरी है कि टाइम के सेंस में कब आप इनका इस्तेमाल करेंगे और कब आप एट का इस्तेमाल करेंगे। अगर टाइम निश्चित हो यानी सर्टेन टाइम हो यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो तो आप एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 9 बजे एट 9 o'clock, 10 बजे एट 10 o'clock। लेकिन अगर टाइम पॉइंट नहीं है बल्कि पीरियड है यानी पीरियड ऑफ टाइम है तो आप एट के जगह पर इनका इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। टू डेज या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है या एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए मैंने लिखा इन। एक घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए मैंने लिखा इन। अगर यहाँ पे लिखा होता 1 o'clock तो मैं लिखता एट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बात समझा कि जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए तो आप एट का इस्तेमाल करेंगे और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात किया जाए तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खास बात है जो आपको जानना ही होगा। फ्रेंड्स, ये बात आप याद रखेंगे, मॉर्निंग के पहले इनका इस्तेमाल करना है, जैसे इन द मॉर्निंग। इवनिंग के पहले आपको इनका इस्तेमाल करना है, जैसे इन द इवनिंग। लेकिन अगर हम बात नून, नाइट या मिड नाइट की करें तो इन तीनों के साथ आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एट का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे एट नून, एट नाइट एंड एट मिड नाइट। आइए फ्रेंड्स, कुछ और रूल्स देखें। फ्रेंड्स, कई बार में पोशाक या ड्रेस के सेंस में बोली जाती है, यानी हम ये कहते हैं कि वो इस पोशाक में है या इस ड्रेस में है। तो फ्रेंड्स, जब हम बात पोशाक या ड्रेस की करें तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो कि वह साड़ी में है तो आप कहेंगे सी इज इन साड़ी। वह सफेद कोट में है तो आप कहेंगे ही इज इन अ व्हाइट कोट। जब बात पोशाक की हो यानी ड्रेस की हो तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। कई बार में से कंडीशन का पता चलता है तो हम वहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं। ही इज इन गुड हेल्थ यानी वो हेल्थ से अच्छा है या सेहत से अच्छा है। सी इज इन टीयर, वह गमगीन है या वह आंसुओं में है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने कंडीशन की बात किया, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया, क्योंकि जब बात कंडीशन की हो तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम परमानेंट जॉब या ऑक्यूपेशन की बात करें तो हम में के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। ही इज इन आर्मी, सी इज इन बिजनेस, वह बिजनेस में है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इनका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि मैंने परमानेंट जॉब की बात किया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इनका इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई इस लेसन को आपने शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक को यूज करके 2 sentences कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं देख सकूं कि आपने क्या सीखा, राइट या रॉन्ग। तो 2 sentences कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।